कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंद्रनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समीद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। ओय फने नितिलोय सार सुहम बुंज देनेदम पुई फले नितिलोय सुर पुज्जो हवे शुद्ध मणो दान फले नितिलोय सार सुहम बुंज देनेदम। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पूजा के फल से क्या होता है, पूज्यता मिलती है। सुर पुज्जो हवे शुद्ध मणो, शुद्ध मन वाला पहले कह दिया कि जो शुद्ध मन से पूजा करता है वो क्या, सुर पूज्यो। सुर पूज्यो का मतलब तीर्थंकर होता है, देवताओं के द्वारा पूज्य होता है, तीन लोकों में पूज्य होता है। और कहते हैं दान जो सच्चे मन से दान देता है उसे सार सुहम भुंज देनी दम। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम अपना पुरुषार्थ करना, भले पुरुषार्थ से ला सकते हो लेकिन खा नहीं सकते हो। आज का आदमी अपनी मेहनत की कमाई से, कहें बेईमानी की कमाई से मकान बना देता है लेकिन अमन चैन से रह नहीं पाता है। बच्चों को पढ़ा लिखा देता है, बच्चों को अफसर बना देता है, बच्चे तो अफसर बन जाते हैं लेकिन हमारे काम के नहीं रहते हैं। वो कुछ भी हासिल कर लें लेकिन हमारे जीवन में जो हम हासिल करने आए थे उससे हम वंचित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध मनो कह दिया कि जो शुद्ध मन से पूजा करता है वो देवताओं के द्वारा। क्यों देवताओं के द्वारा? इसलिए कि वो इस जन्म में भी आपत्तियां आती हैं तो जैन सिद्धांत को जानने वाला जानता है कि मेरे कर्म का उदय है। सुख दुख तो धूप छांव की तरह हैं, सुख दुख तो पूर्णिमा मास की तरह हैं, एक जाती है और एक आ जाती है। ये कहना बहुत आसान है, हम लोग कहते हैं कि पुण्य पाप फल माई हरक बिलको मत माई, ए पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। कहना आसान है कि पुद्गल की पर्याय है लेकिन सच बताना कभी ऐसा लगता है क्या? अपने घर परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो लोग तालियां और थाली बजाते हैं। उनसे मैंने पूछा क्यों बजाते हो, बोले घर में एक नए मेहमान आया। मैंने कहा इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे, एक और आ गया। लेकिन सच्चाई ये है जब पुण्य से उत्सव मनाना, जब स्वर्गों में भी देवों की उत्पत्ति होती है तो क्या अलग अलग नाद भेरी घंटा शंख आदि बजते हैं, जिस देवों का जैसा नियोग है। क्यों बजते हैं कि एक श्रावक आया। हमें तो और सोचना चाहिए, हमें और उत्सव मनाना चाहिए। आदमी लोग आजकल कैसी बुद्धिहीनता है, शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमने कहा मरघट जाने का समय आ गया। यदि तुम्हारी 20 साल में भी शादी हुई होगी और 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हो तो कितने साल के, 70 के तो होने आ रहे हो। अब करना है तो कोई धर्म आराधना करके उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ियां क्या जानेंगी
नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। क्योंकि ये जिंदगी एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हमारा पूजा का नियम एक बार छूट जाए बोले अब तो छूट गया, अब क्या करें। कभी व्रतों में एक आध कोई खंडित हो जाए किसी वजह से, मतलब दोबारा नहीं लेते, हो गया तब तो छोड़ ही दिया। क्यों छोड़ दिया? अच्छे संकल्प को क्यों छोड़ देते हो? बुरे संकल्प को कोई गुटखा कहो बोले जल्दी नहीं छूट पाता, शराब बोले इतने जल्दी कहाँ छूट पाएगी, और अच्छे जो आत्मोत्थान के संकल्प थे उनको हम तुरंत छोड़ देते हैं। हम अच्छे संकल्पों को बना के रखें, क्योंकि आज तक अनादि काल से हम घूम ही खराब संकल्पों के कारण है। हर जन्म में हमने संकल्प ही राग देश के किए हैं, जरा सी चिंगारी होती उसे मसाल बना देते हैं, जरा सी बात को बवंडर मचा देते हैं, फिर कहते हैं हम तो जैन हैं। हमने कहा तुम जैन कैसे हो? जो जन जन की कल्याण की भावना भाए वो जैन है। क्यों? जिनेंद्र देव का भक्त हो जो। जिनेंद्र देव कैसे थे? 1800-1200 से रहते, परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वगुणाधिमध्यानता सर्वा शास्त्रो पला लेते। कहते जिनेंद्र देव कैसे हैं? परमेष्ठी हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं और विमल हैं, मल से रहते हैं। अपन पे मल के मल चढ़ते जा रहे हैं और कैसे अपन उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि कहते हैं हम 84 के चक्कर में पढ़ते गए और उल्टे पहाड़े पढ़ते गए और घर की उलझने एक नहीं 10 आई, क्योंकि हम उलझनों के कसीदे गढ़ते गए, हम उलझनों के कसीदे गढ़ते गए। हम नाम तो भगवान का लेते हैं और काम संसार के करते हैं। हम हमेशा कहते हैं भगवान पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो। मैंने कही पुण्य करने की चीज नहीं है, जीवन में पुण्यमय बना दो जीवन को। कोई क्रिया तुम्हारी घर की भी हो वो भी पुण्य की हो जाए। यदि तुम विवाह भी कर रहे हो तो इसलिए मत करो कि तुम्हारा नाम चलाएंगे तुम्हारे बच्चे। विवाह भी यदि करना पड़ता है किसी को, संसार में इतनी शक्ति नहीं कि संन्यास ले सके, तो एक लक्ष्य रखो कि परमात्मा हमारी संतानों के द्वारा, क्या जिनेंद्र भगवान की परंपरा चलती रहेगी, मुनियों की आहार चर्या चलती रहेगी, और जिन शासन का हमारी संतानें स्वाभिमान बढ़ा सके। किसी माँ बाप से पूछो क्या बनाना है, बोले इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। एक पति पत्नी का तलाक का केस आया, जज ने पूछा क्या बात है, क्या वजह है तलाक की, तो वो बोला कि हम दोनों को तलाक चाहिए। बोले क्या बात है, बोले कहती है कि लड़का होगा तो मैं बीमार रहती हूँ तो डॉक्टर बनाऊंगे, और मैं कहता हूँ बहुत सारे केस चल रहे हैं तो मैं वकील बनाऊंगा। जज ने कहा लड़का तो लाओ देखे क्या बनने लायक है। बोले लड़के का तो आता ही पता नहीं है, समझ गए, अभी तो आया भी नहीं, उसके पहले इतनी योजना बना ली। हम भी कितनी योजनाएं बना रहे हैं। अरे आचार्य कहते स्वर्ग जाओ मत, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाओ, ऐसे कर्म करो। और वो कर्म कोई कठिन नहीं है। लोग कहते धर्म करना बहुत कठिन है, मैंने कहा धर्म से आसान कुछ नहीं है। धर्म इस जीवन में भी आनंद देता है, सिर्फ जीवन में समता और साक्षी भाव आना चाहिए। एक व्यक्ति को, ब्राह्मण था, कोई भैंस दे गया तो उसकी औरत ने कहा कोई भैंस दान में देगा? कहने के अब ताजा दूध पीने मिलेगा। और दूसरे दिन कोई भैंस भी ले गया और खेत में आग और लगा गया। फिर पत्नी रोती रोती पति से बोली देखो जी कोई आग लगा गया और भैंस भी ले गया। पति ने कहा कोई चिंता मत कर, अब खेत काटने भी नहीं जाना पड़ेंगे
और भैंस का दूध गर्म भी नहीं करना पड़ेगा। अब चलो झंझट टली। इतनी संता भाव हमारे अंदर है क्या? हमें तो सुई भी खो जाए तो उसकी भी आकुलता रहती है। एक महिला की सुई खो गई थी, अभी आपने सुना था कि सुई में धागा हो तो सुई मिल जाती है, और पतंग की डोर किसी अच्छे आदमी के हाथ में हो तो पतंग डू क्या गिरती नहीं है आजकल। पहले धर्म पत्नी थी, यानी पति को पतंग से बचा लेती थी। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। पत्नी को क्यों महान कहा है? लोग कहते नारी अबला है, मैंने कही नारी सबला है। नारी नाड़ी की तरह है, नाड़ी चली जाए तो आदमी का राम नाम सत होता है। और नारी भी अपने पद से विचलित हो जाए, दूसरे कुमार्ग में चली जाए तो महाभारत हो जाती है। और नारी इस मार्ग पर चले, एक एक बार मर्यादाहीनता की आप पराकाष्ठा देखो, कितनी हिंसा से चुकाना पड़ा मूल्य हमको। लेकिन आज तो बिल्कुल हमारा सब कुछ खत्म हो गया। पहले नारी धर्म पत्नी थी, धर्म पहले था बाद में पत्नी थी। हमारे विवाहित संस्कार कहा है क्यों? क्योंकि पत्नी होगी तो तुम्हें पतन से बचा लेगी। और धर्म पत्नी होना चाहिए, हमारे यहाँ वाइफ नहीं थी। आजकल बोले हमारी पत्नी, हमने कही पतंग कहाँ गिराएगी पता नहीं चलेगी। और आजकल तो वाइफ और हो गई, जो तुम्हारी लाइफ को चौपट कर दे वो वाइफ है। पति देव थे, श्रीमान थे, मालिक थे, हर तरह से अच्छा सम्मान था। श्रीमान थे तभी तक बुद्धिमान थे, अब हस्बैंड हो गए। हंस हंस कर जिसका बैंड बजता है, फिर तमाम जिंदगी अकेला ही बजता रहता है। तो आपको पता होगा छेलना का पावन पुरुषार्थ था पति को, आप सबको पता है। साथ में नरक की आयु का बंद कर लिया था, लेकिन एक पत्नी की प्रेरणा से क्या हुआ? हाँ, वो तो बांध लिया था और छूटता नहीं आयु बंद, इसलिए जाना पड़ा। लेकिन तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। दृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आतुरता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर व्रत जी का आगमन हुआ, उन्होंने यह व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की थी।
और उसी के उस समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या सृष्टि भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर द्वैपदी आश्रम में वर्षा योग हुआ, चतुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराधी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्माण भूमि शाश्वत निर्माण भूमि समय से गए है, यहाँ पर संतजन मुनिजन गुरुजन रत्नोदय के धारियों को गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से अकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों मुनियों गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतम गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00063, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500525, IFS कोड ICICI00002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन मलाड़ मुंबई, श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन हांसी हरियाणा, श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन शिरपुर धुलिया महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका।